गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी 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 ग्रेट गुड इवनिंग। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस इवनिंग वेबिनार में। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिख के हर बार की तरह जरूर बता दीजिएगा कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है या नहीं, एंड और एल्स आप हम सब के थ्रू भी बता सकते हैं। एनीवन? Is my screen visible? Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much ये बताने के लिए कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है। एंड जैसे कि हम सबको पता भी है कि आज हम लोग यहाँ पे जो जनरली डिस्कशन करने वाले हैं वो किस तरह से हम अपने हेयर को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, हेल्दी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूमिनस हेयर बहुत अच्छे से बना सके, उन सारी चीजों के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेयर केयर बाय केवा। हम केवा से अपनी कंपनी के थ्रू हम किस तरह से अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, राइट? थोड़ा सा अगर डिस्कस करें हम लोग यू नो हेयर के बारे में, तो हेयर जो बेसिकली है ये कंपोज्ड है ऑफ प्रोटीन कॉल केराटिन। केराटिन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। केराटिन ये जो है वो प्रोटीन का टाइप होता है। दिस इज द सेम काइंड ऑफ प्रोटीन बेसिकली जो कि ये बनाते हैं, दैट मेक्स अप नेल्स एंड अदर लेयर ऑफ स्किन। ये हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसी वजह से काफी अच्छे से ये केराटिन जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, राइट? एंड इनके साथ साथ देखिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि किस तरह से हम अपने हेयर को बहुत ही ज्यादा यू नो शाइनी, वॉल्यूमिनस हेयर बना सके। So there are 20 secret tips, यहाँ पे 20 secret tips है अपने हेयर को शाइनी, वॉल्यूमिनस एंड हेल्दी हेयर बनाने के लिए। टिप नंबर वन, क्योंकि हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ये भी इक्वली बहुत मैटर करती है, राइट? सो सबसे पहला जो टिप है वो रहेगा हमारा प्रोटेक्ट योर हेयर। आप कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं स्पेशली, तो लाइक ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कुछ फंक्शन में जाते हैं, अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम सोचते हैं कि अपने बालों को थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो वो बेटर होगा, राइट? ये थॉट आती है, ठीक है, अगर किसी ऐसे ओकेजन में जा रहे हैं अपने हेयर को खुले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस बीच में, इंटरवल में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो मेक श्योर कि हम अपने हेयर को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, कवर करके रखें, तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इनफैक्ट तो हर किसी को कहीं भी अगर हम एनवायरमेंट डस्ट पॉल्यूशन जो है उनसे एक्सपोज हो रहे हैं, तो चाहे अगर वो मेल पर्सन है तो थोड़ा सा अपने हैंकी से अपने बालों को थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टियां ना लगे उस लिए। फीमेल है, थोड़ा सा स्कार्फ यूज कर सकते हैं ताकि जो डस्ट पॉल्यूशन है हमारे हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज ना करे। फिर जिस जगह पे हमने रीच करना रहता है, पहुंचना रहता है, हम स्कार्फ जो हो गया या फिर हैंकी हो गए उसको हटा सकते हैं, राइट? टिप नंबर टू इज डील केयरफुली विथ वेट हेयर। गीले बालों को बहुत ही ज्यादा केयरफुली उनको डील करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं, नॉट एवरी वन, राइट, बहुत लोगों की आदतें होती हैं कि नहाने के टाइम डेली डेली जो है अपने हेयर को वॉश करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि नहाने के टाइम डेली डेली वो अपने बालों को नहीं धोते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार ही वो अपने बालों को धोते हैं। इनफैक्ट अगर वो शैम्पू नहीं भी कर रहे हैं तो उनको बहुत टाइम ऐसा होता है लोगों का कि पानी से अपने हेयर को वॉश करना वो डेली ही करते हैं, राइट? तो जिस वजह से अब क्या है कि अगर हम गीले बालों में ही कोम करने लग जा रहे, कंघी करने लग जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इनफैक्ट हम बहुत सारे टीवी में, यूट्यूब में और भी बहुत सारे वीडियोस में हम देखते हैं
जो भी एक्ट्रेसेस है, इनफैक्ट टीवी में बहुत सारी मूवीज में तो उनके हेयर जो वेट होते हैं, गीले होते हैं, और बहुत मोटे मोटे जो टॉवल होते हैं, तो उससे अपने हेयर को, गीले बालों को वो ड्रेप करते हैं उससे, मतलब थोड़ा सा टाई करके रखते हैं, ताकि जो बाल है, बहुत ज्यादा जो वाटर है वो निकल जाए, राइट। बट द रियालिटी इज कि हमने कभी वैसा नहीं करना है, राइट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम खुद से एक सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बाल गीले हैं और आपने टॉवल जो है, कोई मोटे टॉवल से अपने बालों को बहुत अच्छे से ड्रेप कर लिया है, उसको बांध लिया है थोड़ी देर के लिए। वो जो गीले बाल है आपके टॉवल को भी गीला करने लग जाएंगे, तो मोटा टॉवल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ वो टॉवल भारी होने लग जाएगा, वो हैवी होने लग जाएगा, जिसके वजह से आपने जो सर में बांधा हुआ है, आपका पूरा जो हेयर है पीछे की तरफ खिंचने लग जाएगा। बहुत एक हैवी प्रेशर आपको वो देगा, जिसके वजह से आपके जो बाल हेल्दी है, जो टूटने के नहीं है, वो भी काफी ज्यादा टूटने लग जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी रहता है, तो एक सिंपल सा एकदम पतला सा कॉटन जो है, कॉटन का बेसिकली टॉवल है, उसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके जो टी शर्ट्स है बेसिकली, जो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, आप उसको यूज कर सकते हैं, रादर देन यूजिंग मोटा वाला टॉवल। प्लीज अवॉइड दैट, राइट। क्योंकि वो वेट हेयर में बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। रेगुलर कंडीशनिंग जो है, सही से अपने हेयर को हमें कंडीशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम शैम्पू करते हैं तो कंडीशन द राइट वे, अपने बालों को राइट कंडीशन करने की जरूरत है, सही तरीके से। सही तरीका यहाँ पे इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कंडीशनर जो है, कुछ कभी कभी कुछ टाइम लोग जो है अपने स्कैल्प में यूज करने लग जाते हैं। क्या कंडीशनर कभी भी स्कैल्प का प्रोडक्ट नहीं होता है, कंडीशनर हमेशा हमारे हेयर प्रोडक्ट होते हैं। एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कैल्प प्रोडक्ट एंड हेयर प्रोडक्ट, राइट। जिस वजह से स्कैल्प में लगा के, जड़ों में लगा के उसको मसाज नहीं करना है, कंडीशनर को सिर्फ और सिर्फ बालों के लेंथ्स में लगाना रहता है, सिर्फ बालों में, स्कैल्प में नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि सही से हमने अपने बालों को कंडीशन करना है। यूज शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम द सेम लाइन, डोंट ओवर अप्लाई हीट ऑन योर हेयर। अपने बालों में बहुत ज्यादा हीट, जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉमिंग कर रहे हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा बिजी है, या फिर अगर आप बहुत बिजी नहीं भी है बट आपकी ये हैबिट हो गई है कि आप नेचुरली अपने बालों को नहीं सुखाते हैं, ड्राई नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्रायर का यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा हीट ज्यादा लेके, ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए, तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत दिक्कतें करती हैं। एंड इनके साथ साथ ये जो है, आपके बालों में जितनी नमी है, शाइन है, वो भी धीरे धीरे करके खत्म करने लग जाती है। अवॉइड टाइट हेयर टाइज, आप बहुत ज्यादा अपने बालों को टाइटली उसको बांधते हैं तो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जितना टाइट करके आप अपने बालों को बांधेंगे, उतना ही ज्यादा आपके बाल पीछे होते जाएंगे और आगे का सर जो है वो पूरा धीरे धीरे करके खाली होने लग जाएगा, राइट। इनके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सिंपली अगर हम लोग देखें तो, डोंट ब्रेड टाइटली ड्यूरिंग द बेड टाइम। रात में अगर किसी के बाल थोड़े से बड़े हैं, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, दिस इज फॉर द फीमेल्स, अगर किसी के बाल बड़े हैं तो हमें बचपन से ही बताया जाता है, रात में सोने से पहले थोड़े से अपने बालों को प्लेट्स कर सकते हैं, बांध सकते हैं, ताकि हमारे हेयर का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो। एंड ये फैक्ट है, बहुत अच्छा होता है, बट अगर इसी चीजों को थोड़ा हम ट्विस्ट करने लग जाएंगे तो दिक्कतें होंगी। हमें बालों को बांधना है बट बहुत टाइटली नहीं बांधना है। आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा लूज कंडीशन में आप उनको प्लेट्स बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा लूज प्लेट्स बनाएंगे, जिसके वजह से आपके हेयर जो है वो सही से उनका ग्रोथ हो सके। बहुत ज्यादा टाइटली नहीं रखना है, नहीं तो वो खिंच के टूट सकते हैं। यूज द सैटन पिलो कवर। यहाँ पे सैटन पिलो कवर इसलिए बोला गया है क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के ये क्वेरी होते हैं, ये उनका कंसर्न होता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
और जब हम सो के उठते हैं ना, हम देखते हैं कि हमारे पिलो के ऊपर बहुत ज्यादा बाल गिरे हुए हैं, राइट? तो ये बहुत सारे इनके रीजन, स्पेशली अगर आप कॉटन का पिलो कवर यूज करते हैं, मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं तकिए के ऊपर, तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है कॉटन जो है, सूती कपड़ा बेसिकली जो रहता है, वो फ्रिक्शन बहुत क्रिएट करता है, इस वजह से आपके बाल जो है स्टिक होके टूटते हैं। इसी वजह से सैटन पिलो कवर अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उससे जो आपके बाल है वो बहुत ज्यादा खिंचता नहीं है, तो टूटेगा भी बहुत ज्यादा नहीं। तो ये थोड़ी चीजें हमने मेंटेन करनी है। ड्राई हेयर कॉशियसली, आपने अपने बालों को बहुत ही ज्यादा कॉशियसली अच्छे से ड्राई करने की जरूरत है। 11th नंबर पे अगर हम लोग देखें तो ऑयल से स्कैल्प को फ्रीक्वेंटली मसाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, खाना खाने की, एक्सरसाइज करने की, सप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिमिलरली हमारे बालों को ऑयल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके वजह से हमारा जो स्कैल्प है सही से नरिश हो सके, हमारे बालों को स्ट्रेंथन कर सके। अवॉइड टीजिंग योर हेयर, कोल्ड वाटर इज गुड फॉर योर हेयर। आप बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल जो आपका वाटर है उस तरह से आपने वाटर को यूज करना है, राइट? सही से इफेक्टिवली ब्रश करने की जरूरत है। हेल्दी ईटिंग, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। कोम एंड ब्रशेस जो है वो आपके थोड़े से काफी ज्यादा वो थोड़े से मेंटेन रहे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड द ट्रिक विल बी बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। इफ पॉसिबल, अगर आप वुडन कोम यूज करते हैं रादर देन यूजिंग प्लास्टिक का कंघी, राइट? प्लास्टिक का कोम यूज करने से अच्छा है अगर आप वुडन कोम यूज करते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत खिंचता है, एंड वुडन जो है, जब हमारा नेचुरल ऑयल जो स्कैल्प में से निकलता है जब हम कोम करते हैं, तो इक्वली वो हर जगह पे वो स्प्रेड करता है, राइट? तो वो कंडीशन रखते हैं, प्लास्टिक में वैसा नहीं होता है। बट इफ इन केस अगर आपके पास अभी वुडन कोम नहीं है लेकिन आपके बाल जो है वो टूट भी रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, जब भी आप कोम करते हैं अपने बालों को, तो थोड़ा सा आप बेसिन में जाके आपके जो उनके जो ब्रिसल्स है, उसका जो कोम का टीथ है, उसको थोड़ा सा पानी से वेट कर लीजिए, और पानी से वेट करने के बाद बालों को नीचे से कोम करना आप स्टार्ट करिए। आपको ये इंस्टेंटली देखने को मिलेगा कि आप जो सूखे प्लास्टिक के कोम से जो आप कंघी कर रहे थे, वो बहुत जो खिंच रहा था, जो बाल टूट रहे थे हेल्दी हेयर भी, अगर आप कोम को वेट करके यूज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा उसमें आपको बेनिफिट दिखता है, राइट? इंस्टेंटली इसके बेनिफिट आपको दिखेंगे, जो हेल्दी हेयर है वो नहीं खिंचेगा, टूटेगा भी नहीं। इनके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बी केयरफुल विथ योर हेयर डाइज, आप जो भी हेयर कलर कर रहे हैं मेक श्योर कि आपके हेयर के लिए फ्रेंडली हो, एंड यहाँ के जो हेयर कलर है आप ऑब्वियसली उसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा रादर देन यूजिंग फ्रॉम आउटसाइड। आप जो मार्केट के बहुत ज्यादा अमोनिया वाली सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, जो कि स्किन फ्रेंडली हेयर फ्रेंडली नहीं है। प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम द सन, धूप में बहुत ज्यादा जब अगर आप रहते हैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमने सुना होगा, टीवी में भी बहुत सुना होगा कि ऐसे ही हमने धूप में बाल बाल जो है सफेद नहीं किया है, एंड ये इसका एक रीजन भी है ये बोलने का, बिकॉज एक्चुअली में अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं, आपका डाइट अच्छा नहीं, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आपके जो बाल है उसमें से शाइन तो जाएंगे ही, आपके बालों को रफ तो होगा ही होगा, आपके बाल एज से पहले सफेद भी होने लग जाएंगे, राइट? लोड अप ऑन प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स, जो आपके हेयर के लिए, जो अभी हेयर का कंडीशन है उस हिसाब से आप हेयर के प्रोडक्ट्स यूज करिए। जैसे डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेयर फॉल के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। कंज्यूम ओमेगा 3, राइट? आपको क्योंकि हेयर जो है, हेयर इश्यूज प्रॉब्लम जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही रीजन के वजह से हो सकते हैं, तो आप अपने डाइट में, आप अपने सप्लीमेंटेशन में ओमेगा 3 को भी बहुत जरूरी है, इसको रखना बहुत अच्छे से ये हेल्प करेगा, राइट?
हमारे ल्यूमिनस हेयर, वॉल्यूमिनस हेयर को बनाए रखने के लिए वन ऑफ द हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे जो रहेगा हमारा कायको अनियन बायोटिन शैम्पू विथ कंडीशनर। इसमें कंडीशनर भी है एंड ये जो अनियन जूस बेसिकली इसमें एड ऑन किए गए हैं, ये इम्प्रूव करता है हमारे हेयर के ग्रोथ को, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कैटलिस्ट बेसिकली है, काफी अच्छी मात्रा में है। ये नरिश करता है हमारे बालों के फॉलिकल को विद इट रिच कंटेंट ऑफ सल्फर। अनियन में सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, सो ये जो रिच सल्फर है कंटेंट, ये हेल्प करते हैं, मिनिमाइज करते हैं हमारे बाल जो बहुत पतले होने लग जाते हैं, ब्रेकेज होने लग जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हमने देखा होगा कुछ 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 लोगों के जो हेयर होते हैं इतने ज्यादा पतले होते हैं जो कि स्कैल्प ज्यादा दिखता है, ऐसे करते हैं बाल कम दिखते हैं, स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखता है। तो थोड़ा सा ये जो है मेंटेन करने की काफी ज्यादा जरूरत है इसको। इनके साथ साथ ये उनको मेंटेनेंस के लिए हेल्प करेंगे और जो बाल काफी ज्यादा टूटने लग जाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। इनके बेनिफिट्स देखें, इसमें बायोटिन है, अनियन बायोटिन इसका नाम जो है, सो बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है केराटिन का प्रोडक्शन हमारे हेयर में और ये इंक्रीज करता है हेयर फॉलिकल रेट को। इनके साथ साथ जिनके बाल बहुत फ्रिजी हैं और डैमेज हो गए हैं, ये उनको रिपेयर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और हमारे बाल बेसिकली जो है ये इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जिनका कलर ट्रीटेड हेयर है, बहुत ज्यादा कलर लगाने की वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गए हैं, केमिकली ट्रीटेड हेयर है एंड हेयर विदाउट डैमेजिंग देम, ये सब बहुत सारी चीजें रहती हैं, हेयर डैमेज होने लग जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा शैम्पू विथ कंडीशनर जो है ये हेल्प करता है फॉलिकल को ताकि वो हेल्दी रह सके, और ये बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है हेयर फॉल के कंडीशन को, एनकरेज करते हैं हेयर के ग्रोथ को, राइट। इसके इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसमें अनियन एक्सट्रैक्ट है, प्याज का इसमें अर्क है और डेफिनेटली इनके साथ साथ इसमें आमंड भी है, जो कि आप इसको डेली डेली जब इसको बहुत ही अच्छे से जब आप यूज करेंगे, जब भी इस शैम्पू की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको खुद से लगेगा जो आपके बाल पतले होके बहुत थोड़े से हो गए थे, तो ये घनापन देता है, वॉल्यूमिनाइज करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प हमें करता है, राइट। इनके साथ इनके बेनिफिट्स देखे, सबसे पहला ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, हेयर के ग्रोथ को अच्छा रखेंगे, इनके साथ नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा बाल ड्राई ना हो क्योंकि इसी वजह से इसमें कंडीशनर भी है, मॉइस्चराइज करते हैं हमारे स्कैल्प को, स्ट्रॉन्गर करते हैं रूट्स को कि बाल बहुत जल्दी टूटे ना, हेयर को बहुत सॉफ्ट सिल्की और शाइनर रखते हैं। अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है तो उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है, राइट। ये फ्रिज फ्री लुक भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं क्योंकि इसमें कंडीशनर है, और बहुत टाइम ये रिक्वायरमेंट होती थी कि शैम्पू करने के बाद हमारे बाल बहुत सूखे सूखे से लगते थे, सो दिस इज द रीजन कि इसमें शैम्पू विद कंडीशनर है जो कि हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से ये कंडीशन करने का भी काम करते हैं, राइट। तो हमने सिंपल प्लेन वाटर से अपने बालों को गीला कर लेना है, जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं उसी तरह से करना है, फिंगर टिप की मदद से अच्छे से आप शैम्पू कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा ऑयल लगाया हुआ है और आपका बाल जो है बहुत गंदा हो गया है, तो आप डबल दो बार शैम्पू कर सकते हैं ताकि आपका जो ऑयल है वो चले जाए, राइट। क्योंकि कभी कभी जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा ऑयल लगाया होता है, वो फर्स्ट वॉश में हो सकता है कि ना जाए पूरा ऑयल, तो अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा ऑयलनेस है तो आप डबल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये आपके लिए वर्क करेगा, राइट। इस तरह से आपके लिए बेटर रहेगा। इनके साथ साथ सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा इसमें वो रहेगा काइपो हेयरफॉल कंट्रोल किट, के 4 इजी स्टेप्स है इसमें, मेड इन इंडिया है, 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, एक्सटर्नल यूज है और बहुत ही ज्यादा सेफ है, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। मेड इन इंडिया है तो ऑब्वियसली हमारी हमारे लिए ही बहुत अच्छे से वर्क करेगा, राइट।
इसके इंग्रेडिएंट्स आप कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें तिल ऑयल, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें हैं। इसमें हिबिस्कस है, राइट। इस ये जो फूल है, बेसिकली जिनके बाल एज से पहले सफेद होने लग जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होते हैं, ये उनके लिए हेल्प करते हैं। ईचिंग बहुत ज्यादा, ईचिंग आने लग जाती है बालों में, उनके लिए हेल्प करते हैं। नीम है, जो कि ग्रे हेयर के लिए तो अच्छा है ही है, कंडीशन करते हैं हमारे हेयर को, उनके ग्रोथ को अच्छा रखते हैं। और जो लाइस होने के इश्यूज होने लग जाते हैं, जुए जो होने लग जाते हैं, उनको कम करते हैं। एलोवेरा है, धूप की वजह से जो बाल बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गए हैं, तो ये उनके लिए हेल्प करेंगे। इसमें विटिवो एक्सट्रैक्ट है, जो कि बेजान से बालों को, लाइफलेस हेयर को, ये बहुत ही अच्छे से उसमें जान डालने का कोशिश करती हैं, शाइन प्रोवाइड करती हैं। विटामिन सी है, आंवला, इसमें आंवला है, तो विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी है। और ऐसे भी सदियों से इसको ये माना जाता है कि आंवला बालों के लिए ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली हमारे हेयर के नेचुरल कलर को ये प्रिवेंट करने का काम करते, एनहांस करते हैं। एज से पहले ग्रे होने लग जाना, और जो बाल बहुत पतले होते हैं, ये उनको भी ट्रीट करते हैं। इसमें रोज है, गुलाब है, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट करते हैं। ऑयलनेस बहुत ज्यादा होती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसमें एप्पल है, सेब है, बालों को हेल्दी रखना। आर्गन ऑयल है, इलास्टिसिटी प्रमोट करती है। इनफैक्ट जो हीट स्टाइलिंग के वजह से, अगर आप ब्लो ड्राई यूज कर रहे हैं, इनके साथ साथ स्ट्रेटनर, पर्मिंग यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके वजह से जो आपके बाल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैमेज हो गए हैं, तो ये उनको भी ट्रीट करने का काम करती हैं। इसमें कैनोथी है, नेचुरल शाइन करती है, दो मुहे बाल, स्प्लिट एंड हेयर से बहुत अच्छे से ये हेल्प करती है। और एलोपीशिया, हेयर फॉल, अगर हम लोग मेडिकल टर्म में बोले, अनदर नेम ऑफ यू नो हेयर फॉल इज एलोपेशिया, गंजापन जो प्रॉब्लम होने लग जाता है, ये उनके लिए हेल्प करती हैं। रेगुलेट करती है सीबम के सिक्रेशन को। सनफ्लावर ऑयल है इसके अंदर, जो कि ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्रोवाइड करती हैं। बीट जम है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ करती हैं, एग्जिस्टिंग डैमेज जो है ये उनको रिपेयर करते हैं। इसमें तिल का तेल भी है। अगर हम मार्केट में, इतना ज्यादा आपको प्योर हर जगह नहीं मिल पाएगा, राइट। इनके साथ साथ तिल का तेल बहुत ज्यादा थिक होता है, अगर आप ऐसे ही तिल का तेल लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप उसको सही से यूज ना कर पाए, क्योंकि वो फिर बहुत चिपचिपा सा होगा, उसको उतना मैनेज नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से इस इंग्रेडिएंट्स में इसको ऐड किया गया है, जिससे उनके फायदे भी बहुत अच्छे से मिल जाए, और इसके और दूसरे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है, उनके भी फायदे हमें मिल जाए। तिल का तेल माना जाता है जिनके बाल बहुत पतले हो गए हैं, ये उनको घनापन देता है। इनके साथ साथ बाल जो बहुत ज्यादा सफेद होने लग जाते हैं, तो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहता है, राइट। सो ये प्रोडक्ट जो है हमारे बालों को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, नरिश करना, हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, और हेयर फॉल से ये कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसमें चार चीजें हैं इस किट के अंदर। इसमें ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर है 100-100 ml का, एंड सेरम है 50 ml के इसमें रहेंगे। सबसे पहला जो हमारा है, ऑयलिंग हम करेंगे, क्योंकि इसका स्टेप ही इस तरह से है, तो क्योंकि ये मिनरल ऑयल फ्री है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे या फिर इसके बारे में अगर ज्यादा जानेंगे, आपको पता चलेगा, अगर किसी चीज में मिनरल ऑयल बहुत ज्यादा रहती है और आप उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा ईची हो सकता है, ड्राई काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये मिनरल ऑयल फ्री है। सबसे पहले रात में आप सोने से पहले ऑयलिंग कर लीजिए, या फिर बाल धोने के, शैम्पू करने के 2 घंटे पहले भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं। मसाज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, रिड्यूस करते हैं हेयर लॉस को, एंड डेफिनेटली इस तरह से आपके लिए ये बेटर रहेगा। आपने ऑयलिंग करना है। सेकेंड नंबर पे आप शैम्पू करेंगे, जो कि रहेगा हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। शैम्पू अगेन, आप अपने बालों को वेट हेयर में जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं, उस तरह से करेंगे, बेटर रहेगा।
इस तरह से ये वर्क करेगा। एंड जिनको ऐसा लगता है कि उनके बाल बहुत बड़े हैं, राइट, उनके बाल अगर बहुत लंबे हैं, बहुत घने हैं, और अगर वो शैम्पू यूज कर रहे हैं तो शैम्पू जो है उनके बालों में पूरा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हमने जितना हमारे बालों में शैम्पू लगना चाहिए उतना लेके लगाना है, राइट। लेकिन अगर वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, अगर जिनके बाल वेस्ट से ज्यादा, वेस्ट लाइन से ज्यादा लंबे हैं, तो राइट, तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपका जो मग है, आप 2:1 का रेशियो में इन सारी चीजों को लीजिएगा। आप इतने थोड़े से पानी में आप जितना आपके बालों में शैम्पू लगना चाहिए उतना शैम्पू लेंगे, और उस पानी के साथ आपने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है, मिला लेना है। देन थोड़ा थोड़ा करके आप जब पानी डाले, वो शैम्पू को डालेंगे, तो उसके बाद जब आप देखेंगे अच्छे से शैम्पू करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे से वो स्प्रेड हो गया है, और हर जगह पे पूरे बालों के लेंस में भी, बालों में भी, जड़ों में भी काफी अच्छे से शैम्पू आपके लग गए हैं, राइट। सो इस तरह से कर सकते हैं। बट ये जो ट्रिक है ये लॉन्ग हेयर वालों के लिए है, जिनके हेयर शोल्डर तक है, राइट, या फिर उन जिनके हेयर, कोई अगर मेल है तो वो डायरेक्टली बालों को वेट करके जिस तरह से शैम्पू करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर पे आपने शैम्पू कर लिया है, सेकंड नंबर पे आपके बाल थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो आपके बाल जो है स्क्वीज आउट हो जाएगा एक्सेस वाटर। देन उसके बाद आप कंडीशनर यूज करेंगे, कंडीशनर थोड़ा सा साफ हाथों में लेके आप अपने थोड़ा सा फिंगर टिप में मिला के आप अपने बालों के लेंस में कुछ इस तरह से करके पूरा बालों में आप लगाएंगे, राइट। कंडीशनर आपके हेयर को इंस्टेंटली, जो इनके बाल बहुत रूखे सूखे हैं, फ्रीजी से हैं, तो ये स्ट्रेंथन करते हैं आपके बालों को, बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटली मॉइस्चराइज नरिश कर देता है, बहुत ही ज्यादा अनमैनेजेबल हेयर को मैनेज करते हैं, टैंगल हेयर को डिटैंगल करने का काम करते हैं। अगेन कंडीशनर जो है ये स्कैल्प प्रोडक्ट नहीं, ये हेयर के प्रोडक्ट है, इस वजह से आपने बहुत अच्छे से सिर्फ और सिर्फ बालों में लगाना है, उसको आप बहुत ही अच्छे से 1 से 3 से 5 मिनट रख सकते हैं, देन प्लेन वाटर से आप वॉश कर लीजिएगा। हफ्ते में 2 बार आप कंडीशनर यूज करिए, चाहे आप शैम्पू को हफ्ते में 4 बार यूज करिए या फिर 3 बार यूज करिए, डजेंट मैटर, लेकिन कंडीशनर जो है आप इसको हफ्ते में 2 बार करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। फोर्थ नंबर पे है आपका, लास्ट नंबर पे है हेयर फॉल कंट्रोल सेरम, और ये पैराबिन फ्री है, राइट। पैराबिन में भी कुछ कुछ केमिकल्स इतने ज्यादा जो हाईली रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टाइम तक यूज करने की वजह से हमारे हेयर को, हमारे स्किन को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हार्मफुल केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, राइट। और ये जो सेरम है, ये हेयर फॉल कंट्रोल सेरम एक ऐसा हर्बल कॉन्क्रीशन ऑफ यूजफुल ऑयल है, जो कि हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है हेयर के लॉस को, हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाए रखने का काम करते हैं। और ये सेरम बेसिकली, अगर मैं बोलूं, ये आपके रूट एक्टिवेटिंग सेरम है, विच मीन्स आप क्या करेंगे इस सेरम को, ये मार्केट के सेरम के जैसा नहीं रहेगा कि सिर्फ थोड़ा सा लिया और बालों में लगाया और बाल बहुत ज्यादा शाइन करने लग गए, ये इस तरह का नहीं होगा। ये हमारा जो रहेगा ये हेयर फॉल कंट्रोल किट के अंदर है, विच मीन्स इसका लिंक जो है ये हेयर फॉल से रिलेटेड है, राइट। तो जिस वजह से आपने इस सेरम को क्या करना है, थोड़ा सा लेके आपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से आपने मसाज करनी है, थोड़े से आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं, बालों में लगानी है आपने, थोड़े से मसाज करनी है। देन उसके बाद आप जिस तरह से आप इसको डेली डेली यूज करेंगे, राइट, कीप इट ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट, या आपके लिए आपका क्या करेगा, आपके जो रूट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके फॉलिकल्स को ये हेल्दी करेंगे, जिसके वजह से आपके बाल काफी ज्यादा लंबे हो, और इनके साथ साथ काफी ज्यादा जो वॉल्यूम इतनी थोड़ी सी हो गई है, डेंसिटी को बढ़ाता है, वॉल्यूमनाइज करने का काम करते हैं, राइट। इस तरह से ये हमारे लिए, हमारे हेयर को लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर बनाए रखने का काम करते हैं। हमारे जो फॉलिकल है, जब हम 21 मंथ्स के रहते हैं, राइट, 20 to 21 मंथ्स के रहते हैं,
अनबॉर्न बेसिकली अगर मैं बोलूं, राइट? तो लाइक जब हम लाइक बॉर्न होने वाले रहते हैं तभी ही हमारे फॉलिकल्स जो है हमारे हेयर में आ गए होते हैं। अब जब हमारे पेरेंट्स हमारे बालों का अच्छे से ख्याल रखते हैं जब हम छोटे रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हम बड़े होने लग जाते हैं, हम अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो उस फॉलिकल के अंदर से हेयर जो है वो आती है, उनके लाइफ है, राइट? आती है, उनका जितना लाइफ है हेल्दी है, अच्छे से केयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम अपने हेयर का केयर सही से नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे करके बंद होने लग जाता है। एंड अब किस तरह से हम पहचानेंगे कि अगर हमारे बालों में फॉलिकल जो है वो ओपन है या नहीं है? आप आईने के सामने थोड़ा सा अपने बालों को इस तरह से करके देखेंगे, राइट? तो अगर आपके बाल छोटे छोटे दाने दाने जैसा दिखता है, राइट, तो फॉलिकल ओपन है, तो आपके न्यू हेयर आएंगे ही आएंगे, राइट? आपको बस अच्छे से केयर करने की जरूरत है। फॉलिकल जब बंद हो जाते हैं, स्पेशली मेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट? जैसे मिडिल पोर्शन हो गया या साइड पोर्शन हो गया, काफी खाली हो जाते हैं दूर तक, राइट? और बहुत प्लेन सा हो जाता है, बहुत शाइन करता है, फॉलिकल उसमें बंद हो गया होता है, तो सिर्फ वो हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, राइट? तो ऐसा कुछ भी ना हो, हम बहुत ही अच्छे से पहले से ही अपना हेयर का केयर कर सकते हैं, ताकि हमारे हेयर फॉलिकल्स काफी हेल्दी रहे, हमारे बाल जो है वो काफी अच्छे से हेल्दी रहे। सो आज हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, किट्स के बारे में डिस्कशन किया, अनियन बायोटिन शैम्पू के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, इनफैक्ट 20 सीक्रेट्स के बारे में जो कि हमारे हेयर को बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनाइज बना सकती है, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन विद द प्रोडक्ट, अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, सो दैट आई कैन नो। सो यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। Now let me see then. I don't know the name because name is not written here. डैंड्रफ अगर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा है, तो डेफिनेटली इसके लिए जो रहेगा, आप अच्छे से ऑयलिंग करिए, शैम्पू करिए, इनके साथ साथ सप्लीमेंटेशन यूज करिए, आपके लिए बेटर रहेगा, राइट? जैसे कि आप यूज कर सकते हैं कोलाजन सिरप जो है, आप उसको यूज करेंगे, ग्यानोडर्मा या फिर हमारा सुपर डेली प्लस है, आप उनका कॉम्बिनेशन रखेंगे, ट्रिपल स्टेम सेल KMD या फिर CTMD के साथ साथ, तो आप इनके कॉम्बिनेशंस रखिए विथ Omega-3, राइट? तो आपका सप्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, इनके साथ साथ आप सही से ऑयलिंग करिए, और गीले बाल अगर रहते हैं ना तो हम उसको बांधने लग जाते हैं, सही से उसको सुखाते नहीं है, और ये सारे रीजन की वजह से भी काफी ज्यादा डैंड्रफ होने के इश्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा नेल से स्क्रैच करने लग जाते हैं, स्कैल्प ड्राई रहता है, उसको स्क्रैच करते हैं तो दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा होती हैं, और ऑब्वियसली अगर किसी चीजों को अगर हम नाखून से बहुत ज्यादा स्क्रैच करेंगे तो ब्लीडिंग तो होगा ही होगा, राइट? सो कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ा सा ईचिंग वगैरह जो रहता है, मेक श्योर कि अगर आपको ईचिंग हो भी रही है तो आप अपने फिंगर टिप जो है इस तरह से आप उसको थोड़ा सा सहलाएंगे, इस तरह से आप करेंगे, नेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप नाखून लगाते हैं स्क्रैच हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, एंड इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, राइट? सो इसके लिए आप जो डैंड्रफ शैम्पू हो गया या फिर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑयलिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग करिए, और इनके साथ साथ आप शैम्पू करिए, हेयर को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? बालों में तेल लगा के 2-3 दिन तक छोड़ देना, तेल लगा के बालों में बाहर चले जाना, और गंदगी बैठ जाती है, बालों को वॉश नहीं करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज किया कि बाल धोने के 2 घंटे पहले आप तेल लगा सकते हैं या फिर रात में सोने से पहले।
तेल लगा के जो कभी कभी हम देखते हैं, कभी किसी किसी को 2-3 दिन छोड़ देते हैं, 1 हफ्ते छोड़ देते हैं, उससे बाल तो 100% डैमेज होगा होगा, प्रॉब्लम भी होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को अगर आप ध्यान देंगे और इस तरह से करेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। अनियन शैम्पू के साथ साथ आप ऑयल जो है, अनियन ऑयल आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। इनके साथ साथ आप कोकोनट जिंजर, अगर आपको लगता है कि आपके बाल जो है जगह जगह से थोड़े खाली होने लग गए हैं, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जितना बाल नहीं दिखता है उससे ज्यादा स्कैल्प दिखते हैं, तो आप अनियन कोकोन अनियन जिंजर ऑयल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप 11-in-1 ऑयल है, आप उसमें से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपके लिए अवेलेबिलिटी हो गई है अनियन ऑयल की, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आज हमने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट यूनिसेक्स रेंज है, इसको लेडीज जेंट्स हर कोई यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निरंजन सर। हेयर सेरम जो है मैम, सबसे पहले तो हमारे जो बाल अगर जो है, राइट, थोड़ा सा हेयर सेरम अपने हाथों में लेना है, मिला लेना है, राइट। इनके साथ साथ अपने जो जड़े हैं, जड़ों में इस तरह से पूरा मसाज करना है, बहुत ही अच्छे से आप थोड़ा सा मसाज करेंगे, राइट, अपने बालों में थोड़ा सा लगा लेंगे, लेकिन हमारा मसाज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूट एक्टिवेटिंग हेयर सेरम है, राइट। तो फिर उसके बाद जैसे आप अपने बालों को बांध के रखते हैं या खुला रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह से उसको रख लेंगे। पिंपल स्पॉट्स के लिए सर, आज हमने यहाँ पे हेयर के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, बट इफ इन केस अगर पिंपल के दाग काफी ज्यादा हो गए हैं, राइट, तो उसके लिए जो है आप तो सबसे पहले फेस वॉश देंगे, क्योंकि गंदगी हटेगी तो ही कुछ लगा सकेंगे। स्पॉट्स है तो एंटी मार्क क्रीम है हमारे पास, वो काफी अच्छे से असर करेंगे। अगर पिंपल और स्पॉट दोनों ही है, तो हमारे पास सीवीड एक्ने क्लेरिफाइंग फेस क्रीम है, और लाइक हमारे पास पिंपल के डे क्रीम और नाइट जेल भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन के साथ। मान लीजिए कि अगर कहीं दाग है हमारे चेहरे पे, या फिर कट हो गया है, कुछ घाव है, तो हम हीट में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वो दाग और गाढ़े होने लग जाते हैं हीट लगने की वजह से, राइट। तो ये दाग को और गाढ़ा करने लग जाएगा, तो आपको मेक श्योर कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महीने में 2 बार आप स्किन लाइटनिंग फेशियल किट है वो कर सकते हैं, तो आपके दाग धीरे धीरे करके काफी ज्यादा लाइटन होने लग जाएंगे, बट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ख्याल रखने से ज्यादा बेटर होगा। तो हमारा स्किन हेल्थ सिरप जो है, आप स्किन हेल्थ सिरप दीजिए उनको। इनके साथ साथ आप ट्रिपल स्टेम सेल, इनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप उनको देते हैं, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। स्किन हेल्थ सिरप जो है, डिसकलरेशन जो होने लग जाती है, ये उनको भी लाइटन करने का काम करते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई आई एम लाइक बेसिकली रिकमेंडिंग स्किन हेल्थ सिरप। डैंड्रफ के लिए आप डैंड्रफ का शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ के साथ साथ बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप ये जो हेयर फॉल कंट्रोल जो हमारा किट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ के लिए तो इनफैक्ट जो है हमारा, अभी हमने डिस्कशन किया कि अनियन बायोटिन शैम्पू जो है, क्योंकि उसमें भी लिखा है बेनिफिट्स में उनके कि वो डैंड्रफ को भी रिड्यूस करने का काम करती हैं। सो आप ऑयलिंग करिए अच्छे से, लाइक हमारा अनियन ऑयल हो गया, 11-in-1 ऑयल है, मोरोकन आर्गन ऑयल है हमारे पास, कोकोनट जिंजर, अगर बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं बाल, तो कोकोनट जिंजर हेयर ऑयल है, तो आप उनको ऑयलिंग करने के बाद आप शैम्पू जो है आप यूज कर सकते हैं। आई होप मैम आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही थे। थैंक यू सो मच मैम। सो आई होप यू ऑल लाइक
द सेशन एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है फेसबुक लाइव है, तो आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच ऑल.